हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी कि क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ। और मैथ का पांचवा चैप्टर है फ्रैक्शन, वो पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं और सेकंड पार्ट है इसका पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन इसका मतलब होता है कि दो फ्रैक्शन को आपस में कंपेयर करना। कंपेयर करने का मतलब होता है आपस में तुलना करना, यानी कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन छोटा कौन बड़ा, तो एक है यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये सर्किल के अंदर जो इसकी संख्या है स्पेस की, तो वो कुल मिला के हैं, कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आठ नंबर हैं, आठ संख्या हैं। उसमें से पांच जो हैं वो उसमें कलर्ड हैं, और उसमें से जो चार हैं, जो तीन हैं वो अनकलर्ड है। तो इस तरीके से इसका जो फ्रैक्शन बन जाएगा कलर्ड वालों का, तो वो बन जाएगा 5/8। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 5/8 का फ्रैक्शन बन रहा है। इस तरह आगे आगे देखते हैं। इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन हैविंग द सेम, द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन फ्रैक्शन हैविंग द स्मॉलर डिनोमिनेटर। अगर किसी केस में जो इसका न्यूमरेटर है वो सेम है, तो जो इसका डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो संख्या बड़ा होगा। ये उसी केस में होगा जब न्यूमरेटर क्या होगा, सेम होगा। अब अगली कंडीशन है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो कैसे होगा। तो डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। ये चीज़ देखना है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कि हमको यहाँ इस पे, इस अगर एग्जांपल में देखें तो क्या है, 5/11 है, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5/11। और आगे दिया है 4/19। तो 5/11 है, 4/19 है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या सही है, क्या कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 19 को 5 के साथ और 11 को 4 के साथ। यहाँ पे कोई भी ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है, तो ऐसे केस में इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें आ जाती हैं। अब देखते हैं, कंपेयर ऑफ द सेंटेंस ये हो गया। और अगर यहाँ पे कंपेयर द फ्रैक्शन करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम इधर कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 12 इक्वल टू, मतलब ये अब इसको इससे कंपेयर करना है तो
सिक्स मल्टीप्लाई सेवन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो ये कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है, और इसको अगर हम देखें तो ये 42 ही हो रहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा, जो बड़ा वाला संख्या आ गई वो बड़ा फ्रैक्शन, जो छोटी वाली संख्या होगी वो छोटा फ्रैक्शन होगा। आगे फाइंड द फ्रैक्शन क्वांटिटी, फाइंड द फ्रैक्शन क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है किसी भी नंबर में अगर कोई फ्रैक्शन दिया होगा तो उससे उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 28, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया है 1/7 ऑफ 28, तो इसका मतलब है कि 28 के साथ 28 मल्टीप्लाई बाई 1/7, तो इस तरीके से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स ये कट जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये चीज़ें हमको करना है इस वाली एक्सरसाइज में। अब हमको यहाँ पे ये बताना है, जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज 5B है, इस पे हमको ये बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है, मतलब कंपैरिजन करना है इस पे, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इस तरीके से हम ये, अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट, क्या है यहाँ पे, सबसे पहले दिया है ये 3/4, थ्री बाई 10, तो 3/10 लिखेंगे। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ, 4/11, तो हमको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो क्या क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 3 × 11, और इसकी वैल्यू आ रही है 4 × 10। तो अब हमको यहाँ ये देख लेना है कि कौन सा ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है कौन, ये 11 × 3 = 33 हो जाएगा, 33, और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 40 ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा मार्क बनाएंगे हम, ये मार्क, यानी कि इधर वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वैसे ही अगर आगे हम देखें तो आगे क्या है, इसको मिटा देते हैं, तो आगे अगर हम देखें अगले क्वेश्चन में सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है कि 3/11, 3/13, सॉरी 3/13, और कॉमा करके है 4/39। तो वैसे ही जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया गया वैसे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 39 हो जाएगा, 3 × 9 = 27 का 7 हो जाएगा, और 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 2 इसमें प्लस कर देंगे जो यहाँ से कैरी आएगा, तो 9 × 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 1 × 1 = 1 × 1 = 7 हो जाएगा। और ये अगला वाला नंबर क्या हो जाएगा, 13 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 4 जो होता है 52, तो क्या हो जाएगा, 52। तो यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1/17 ज़्यादा है और ये कम है। तो इस तरीके से अब इसके क्वेश्चन आप लोग करेंगे घर पे अपने से। और फिर दूसरा है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले छोटा नंबर लिखेंगे और उसके बाद बड़ा नंबर लिखेंगे,
छोटा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, छोटा बड़ा निकालने का तरीका भी हमको पता चल गया है। तो इस तरीके से इसको, ये तो था दो नंबर पे जब था तो हमने ऐसे निकाल लिया जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये दो नंबर के लिए हो गया। अब अगर दो से अधिक कोई फ्रैक्शन आते हैं और उसमें हमको ये बताना होता है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो उसके लिए एलसीएम वाला रूल अपनाते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया है, अगले वाला क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ पे है 1/6। एक मिनट, ये है 1/6, 1/6, फिर है 3/4, कॉमा 3/4, फिर है कॉमा 5/12, 5/12। तो अब अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो लिख देंगे 12। अब अगर देखें तो ये 6 2 12 हो जाएगा। यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे और इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, यानी कि क्या हो जाएगा, 6 × 2 प्लस, ओ सॉरी, यहाँ प्लस की जगह कामा कर दो, यहाँ कामा लिखा है तो यहाँ भी कामा कर देना है। अब यहाँ 4 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, कामा कर देंगे। और फिर आगे क्या है, 12 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमें सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे दिख रहा है वही सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर 9 है, और उसकी वो किस फ्रैक्शन का नंबर है, तो वो 3/4 का नंबर है। फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर है 5, और 5 को अगर देखें तो ये 5/12 का नंबर है। तो इससे जो बड़ी भिन्न होगी ऐसे करके, तो वो हो जाएगा 5/12, और उससे बड़ी भिन्न हो जाएगी फिर, तो सॉरी, इन यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे इनक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना था, एक मिस्टेक हो रही है, तो यहाँ पे इनक्रीजिंग ऑर्डर पे हमको लिखना है। तो इनक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, तो छोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे लिखेंगे और 5 किसका है, 5/12 यहाँ पे क्या है, 5 आया है 5/12 का। तो सबसे जो छोटा नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 आया है, तो 1/2, 1/6 सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर जो होगा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 5/12 हो जाएगा। फिर उससे बड़ा नंबर जो लिखना है वो क्या हो जाएगा, 9, यानी 9 से जो रिलेटेड नंबर है वो कौन सा है, 3/4 है, यानी इससे बड़ा 3/4। तो
ये हो गया। अब इसका एक, अब ये इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जैसा कि यहाँ पे किया गया है ऊपर वाले में, सेम वही प्रक्रिया की जाएगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि यहाँ पे जो हमने घट छोटे से बड़े बड़े भिन्न लिखे हैं, तो वहाँ बड़े से छोटे भिन्न लिखेंगे। जैसे कि हम ये क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। इस पे क्या दिया हुआ है, 2/3 कॉमा 5/6, 5/6 कॉमा 7/9, 7/9। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा एलसीएम इसका, इसका एलसीएम आ जाएगा 18। तो यहाँ पे 3 से इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 हो जाएगा, कॉमा 6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 5 जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही 9 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 7 जाए 14 हो जाएगा। तो यहाँ हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हमको लिखना है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। वो असेंडिंग ऑर्डर था तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमको क्या लिखना है, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या था यहाँ पे, सबसे बड़ा है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे हो जाएगा, और 15 का जो फ्रैक्शन है वो 5/6 है। फिर उससे जो यहाँ पे क्या लिखना है, डिसेंडिंग लिखना है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये हो गया, और फिर उससे छोटा हो जाएगा 12 वाला, और 12 का फ्रैक्शन है 2/3, 2/3, और फिर इसके बाद उससे छोटा हो जाएगा, उससे छोटा सॉरी ये है, उससे छोटा है 14, तो 14 हो जाएगा यहाँ पे। 14 का क्या है, 7/9, ये है 7, सेवन बाई नाइन। तो और वो फिर लास्ट वाला क्या है, 2/3, यानी कि 2/3। तो इस तरीके से ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, और ऐसे ही ये सब करने हैं, और फिर जो और बाकी होमवर्क में कर लीजिएगा। और देखो जहाँ जैसे कि यहाँ पे है दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, तो इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ये बाकी क्वेश्चन होमवर्क में करिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें क्या है, विच इज़ स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट करने के लिए हमको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई 7/9, तो अगर हम इसको करेंगे तो 9 9 3 27 हो जाएगा, और 7 3 हम यहाँ देखें 21 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो 23 हो जाएगा। अब अगले की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 1/4 ऑफ 40, 1/4 ऑफ 40 मल्टीप्लाई 40, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा, तो कट जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, दूसरी दूसरे की वैल्यू 10 आ जाएगी, और फिर तीसरे की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये है 5 × 7 × 63। तो अगर काट देंगे तो 9 टाइम्स चला जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 5 जब 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और फिर कामा कर देंगे, और फिर अगला नंबर हो जाएगा 1/6 ऑफ 54, 54।
तो 6 से इसको काट देंगे तो 9 टाइम्स कट जाएगा ये, 9 टाइम्स, और 9 बन जा 9, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 9। तो अब यहाँ पे पूछा है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट, तो कौन सबसे छोटा है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है सबसे छोटा ये है, तो इस तरीके से यहाँ बी नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाकी क्वेश्चन अपने से करते रहिएगा और अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।